जय हिंदू राष्ट्र। आज कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट उपलब्ध हो गई है और उसमें उन्होंने मंदिर ज्ञानवापी मंदिर में टूटी हुई मूर्तियों का सच, शिवलिंग की उपस्थिति और अन्य प्रकार की दीवारों में कमल है तो कहीं देवताओं देवियों की मूर्तियां हैं, इसके बारे में बताया है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे इस्लामी सदियों से जानते हैं। उन सबको पता है कि वहां पर मंदिर था, उसको ध्वस्त किया गया। औरंगजेब के अपने रिकॉर्ड में है, पूज्य सीताराम गोयल जी की जो दो किताबें हैं इसी विषय पर, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपन टू देम, मुस्लिम मेरा एन इस्लामिक एविडेंस। इस्लामी बादशाहों ने, सेनापतियों ने, सूफियों ने, जिन जिन लफंगों ने ये सब किया है उन्होंने अपने कागजों में इसे दर्ज किया है। उन्होंने कहां क्या तोड़ा, कौन से मंदिर ढाए। तो ये इस्लामियों को सदैव से पता है। अब रातों रात एक नया बहाना निकाल रहे कि शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। अबे फव्वारा है तो पानी तो निकलेगा इसमें, पानी निकालने की एक व्यवस्था होती है। ताजमहल में पहले एक रहट यमुना के किनारे, जिस रहट से पानी ऊपर एक तालाब में लाया जाए, फिर उसके साथ एक रहट उससे और ऊंचे तालाब में पानी, फिर यहां से एक और रहट, फिर सबसे ऊंचे तालाब में पानी। इस तालाब का पानी फोर्स से नीचे आएगा तो फव्वारे उछलेंगे। टंकियां तो थी नहीं उस समय में बड़ी, बिजली के मोटर तो थे नहीं, तालाब से बनाए जाते थे और रहट से पानी चढ़ाया जाता था। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर, जिस पर एक लंबे अरसे इस्लामियों का कब्जा रहा है, वहां क्या इतनी जगह है, रहट की कोई व्यवस्था है, फव्वारा होगा तो चलेगा कहां से फव्वारा, कोई तरीका तो होगा उसका। और मैं बार बार इस्लामियों से पूछना चाहता हूं कि आप इस पर ये अड़ी क्यों कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये मंदिर था, आप उस आक्रमणकारी जो विदेशी था उसके साथ स्वयं को क्यों जोड़ रहे हैं। आपका पूर्वज नहीं, आप उसके रक्त के नहीं, उसने आपके देश पर हमला किया, आपके पूर्वज इस्लाम के दबाव को नहीं झेल सके, जजिया कारण होगा, तलवार कारण होगी, ये संपत्ति मिल रही होगी, मकान मिल रहा होगा, रियासत मिल रही होगी, जो भी कारण होगा, मोहब्बत से किसी ने इस्लाम को नहीं स्वीकारा तो आपके पूर्वज मुसलमान बन गए, मगर इससे आपके बाप दादे थोड़ी बदल गए। आखिर हैं तो आप हिंदुओं की औलाद। ये मंदिर जिस पे आपके पूर्वज चंदन चढ़ाते थे और उसका उतरा बचा चंदन अपने माथे पर सम्मान के साथ, गर्व के साथ लगाते थे, उस पर आप कुल्ला करते रहे, पैर धोते रहे, हाथ धोते रहे। आपको तो सत्य पता था, श्रृंगार गौरी की प्रतिमा आपको नहीं मालूम। इस तरह के मस्जिदों की सीताराम गोयल जी ने जो संख्या दी है वो 2000 से ऊपर है। इस्लामियों ने ऐसी संख्या 18,000 बताई है, कुछ 20,000 कहते हैं। इन मस्जिदों को बचाकर आप क्या करेंगे, बचेंगी तो नहीं, कोर्ट में मुकदमा है, आज नहीं कल आप हारेंगे। इतने प्रमाण मिल गए हैं, अब तो ये स्पष्ट जो
सर्वेयर हैं उन्होंने कहा है कि शिवलिंग है। यहां एक बात स्पष्ट करता चलू, हिंदुओं को भी मालूम होनी चाहिए, इस्लामी समझे, शिवलिंग का मतलब शिश्न नहीं है, पीनस नहीं है। लिंग का अर्थ आकार स्वरूप होता है, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में लिंग कहां से हो जाएगा, यह स्वरूप के लिए इस्तेमाल होता है, नपुंसक लिंग में कैसे लिंग आ जाएगा। तो इसको शिश्न नहीं मानते, इसके अपने कुछ ऊर्जा के अपने कुछ खेल हैं जो गोही कार्य हैं, सबके लिए नहीं होते, जो उस रास्ते पर चलते हैं उन्हें मालूम पड़ता है। बहरहाल कुल मिलाकर स्थिति है कि भारत के इस्लामियों, इस्लामी नेतृत्वकर्ताओं से नहीं बात कर रहा हूं, मैं आम मुसलमान की बात कर रहा हूं, जो जानता है कि वो कितनी पीढ़ी पहले मुसलमान बना है और वो कौन सी जिंदगी जी रहा है, आप क्यों नहीं इसके सामने आते। कोई मुल्ला उल्टा सीधा बोलता है तो आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती। औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने जिन लोगों पर अत्याचार किए थे, जिन स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, जिन स्त्रियों को बगदाद में और दुनिया भर के इस्लामिक क्षेत्रों में बेचा गया, वो आपकी मेरी मां बहनें थी, हमारे अपने घर के लोग। आप मुसलमान हो गए उसके बावजूद पूर्वज तो आपके हमारे एक ही हैं। आप इतिहास ऐसे मोड़ पर ले आया है कि ये सारे पुराने झगड़े समाप्त हो सकते हैं, मगर तब होंगे ना जब आप शिवलिंग को शिवलिंग मानकर हिंदुओं के हवाले कर दें। आप इसे फव्वारा मनवाने पे लड़ेंगे, कोई तो होगा ऐसा जो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रहार करेगा, प्रतिकार करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक अंतरधारा बह रही है, बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया पे तो विशेष रूप से। कहीं भी टीवी पर भैंसे देख लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए, धड़ाधड़ वीडियो आते हैं, ढेरों चीजें आ रही हैं। आप इस स्थिति को बदलना चाहते हैं कि नहीं? कल आपका बच्चा घर से निकले और आपका दिल धक धक करता रहे कि कोई इसको मार तो नहीं देगा, मेरा बच्चा घर से निकले तो मेरा दिल तड़पता रहे उसकी सुरक्षा के लिए कि मुस्लिम मोहल्ले से निकलेगा तो उसके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो जाएगा। ऐसा भारत चाहिए क्या? इस परिस्थिति में जैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम के खिलाफ एक धारा है, इस धारा में बदलाव चाहते हैं कि नहीं? पाकिस्तान का कोई पासपोर्ट अमेरिका का वीजा लगने के लिए जाता है, तुरंत वो कैंसिल कर देते हैं, बड़ी मुश्किलों से अमेरिका का वीजा लगता है, लोग स्वीकार नहीं कर रहे, लोग अपने आने नहीं दे रहे। आप ऐसा विश्व चाहते हैं जहां इस्लाम के खिलाफ लोग खड़े हों? मगर अगर ऐसा नहीं चाहते तो ये काले झंडे वाले जो बड़े बड़े आईसिस के तालिबान के लोग हैं, इनके विरोध में आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। सवाल मेरे बच्चों के भविष्य का ही नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का भी है। अगर आप इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो इसकी आंधी की चपेट में, इस तूफान की चपेट में आप नहीं आएंगे, आपकी औलादें नहीं आएंगी, आपका बेटा आपकी बेटी नहीं आएगी, आपकी बहू नहीं आएगी, आपकी पोती नहीं आएगी। ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? कल सारे दिन उल्टा सीधा बकवास होती रही सोशल मीडिया पर, शिव विग्रह के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आलोचना करेंगे, आप ही आलोचना करेंगे तो दूसरा चुप रहेगा, दूसरा भी करेगा। आप नहीं चाहते कि आपके बारे में कोई बोले तो आप खुद क्यों बोलते हैं? फव्वारा बताने से क्या होगा? इतने बड़े शिव विग्रह के बीच में पानी की नाली छेद तो बन नहीं सकता, अब तक नहीं बना तो अब कहां से बन जाएगा?
साबित तो हो ही जाएगा। तो फिर उल्टी सीधी बहस, बेतुकी बहस किसके लिए? 1500 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने ऐसा चिंतन निकाला, उसने सोचा, बल्कि अब तो इसमें भी संदेह है कि ये व्यक्ति हुआ भी है कि नहीं। वर्तमान की शोध तो बहुत भिन्न प्रकार की बातें निकाल कर आ रही हैं। अब्बासियों का किया धरा है सब, उन्हें एक हत्यारा, पैशाचिक, उद्दंड, उद्धत, उग्र दर्शन चाहिए था कि जिसके आधार पर वो संसार भर के लोगों को पर हमला कर सकें, जीत सकें, उनके कत्ल कर सकें। उन्होंने दर्शन दिया, अब बहुत दूसरी बातें निकल कर आ रही हैं। सचवाला जी को सुनिए, बहुत सारी चीजें आती हैं। समीर को सुनिए, साहिल को सुनिए, आजाद ग्राउंड, अपोस्टेट इमाम, ढेरों लोग हैं। एक ऐसे बवंडर का शिकार आप अपने आसपास की दुनिया को क्यों करना चाहते हैं? जिस बवंडर की चपेट में हम सब हैं, ये दुनिया सभ्य लोगों के रहने के लिए रहे या नहीं? यदि आप सोचते हैं कि इसका इस दुनिया में, इस संसार में भले लोगों का कोई स्थान नहीं है, तो ध्यान आए पिंडारियों को इस राष्ट्र ने नष्ट किया, ठगों को जो हत्याएं करते थे, लोगों के गले घोटकर मारते थे, और जो कहते थे कि उन्होंने बलि दी है, मारा नहीं है, उनको नष्ट किया, हैंग किया गया। नरबलियां देने वाला समाज इसी दुनिया में था, सब समाप्त कर दिया गया। अब खाने के लिए जो पशु मारे जाते हैं विदेशों में, पहले उनको इंजेक्शन लगा के बेहोश किया जाता है, उसके जानवर को तड़पता हुआ दूसरा जानवर दिखाई न दे, इसकी चिंता की जाती है। क्योंकि इसका इस पर शोध हुई है कि अगर एक जानवर किसी दूसरे को तड़पता हुआ देखता है तो उसके अंदर हार्मोन चेंजेस आ जाते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत भयानक है। जो भी उसका मांस खाएगा उसके अंदर बहुत खराबियां उत्पन्न हो जाएंगी। सभ्य समाज धीरे धीरे इन सारी दुष्टताओं से निकल रहा है। आप भारत को सभ्य रहना देना चाहते हैं कि नहीं? और ध्यान रहे, शिष्टता, शालीनता चापलूसी की किस्म को नहीं कहते। आप लोगों को बाध्य कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग कहते हैं कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सिविल वॉर, हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। 18-20 करोड़ और दूसरी तरफ 110 करोड़, क्या होगा इसका अंजाम, कुछ अंदाजा किया आपने? इस्लामी जीत के मनगढ़ंत झूठी बातें करने वाले लोग आपको उल्टा सीधा एहसास कराते हैं। 1965, 1971 दोनों तरफ सशस्त्र सेनाएं, 1,00,000 पत्ते की तरह कांपते थरथर डरे हुए घबराए हुए लोगों का आत्मसमर्पण, तो बहुत पूंछों पे नियाजी ताव देते थे, अपने हाथ से रिवॉल्वर पिस्तल उन्होंने पेश किया, अब उनके कंधे से बैजेस नोचे गए, उनके बिल्ले नोचे गए। किसी जनरल के लिए मर जाने का क्षण है, एक भी नहीं मरा, एक ने भी खुदकुशी नहीं की। जापानी होते हाराकिरी कर लेते, अपने हाथ से चाकू पेट में मार के प्राण दे देते। इस्लामी जीत का मनगढ़ंत दावा, झूठा दावा। सीरिया का क्या हाल है, इराक का क्या हाल है, यमन का क्या हाल है? आज मक्का की सुरक्षा व्यवस्था अगर गोरे न संभालें तो बच नहीं सकता। ऐसी ऊटपटांग चिंतन दर्शन को कंधों पर ढोने से क्या होगा? आप जो काम कर रहे हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, उसके नतीजे में
जिस कड़वाहट की तरफ देश जा रहा है, इसकी आंच में आपको लगता है आप नहीं झुलसेंगे, आपका परिवार नहीं झुलसेगा, केवल मैं ही दांव पे आऊं, केवल मैं ही अर्धव में आऊंगा, ये बहुत गंभीर विषय है। थोड़ी सी 2,500 मस्जिदों की बात है, शायद 15,000 है, 20,000 है, 30,000, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसी प्रत्येक मस्जिद जिसमें ये चिन्ह है, उन चिन्हों को मिटाने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्र यदि उन्नत नहीं हुआ तो ये चिन्ह बचने वाले नहीं है। और अब सोशल मीडिया के कारण से बहुत जागरूकता आ गई है। राष्ट्र में निवेदन करना चाहूंगा, ये तो अपनी जगह मुल्ला पार्टी कर रही है, ध्यान रखिएगा मुसलमानों में मुल्ला पार्टी में फर्क है, मुल्ला पार्टी मुसलमानों को बदलना चाहती है, बड़े पैमाने पे काम कर रही है, इसको भरपूर ढंग से कुचलना, नष्ट करना होगा। संख्या कम करना ही तो इलाज है। दोनों की शुद्धि का संकल्प लीजिए, 10 करोड़ हिंदू तय कर लें कि 2 लोग शुद्ध करने हैं, 2-3 साल सब समस्या समाधान हो जाएगा। इसकी तेजस्विता के साथ व्यवस्था कीजिए। इस समस्या से, इस चिंतन से लोहा लेना है, लोहा लेने के लिए लोहा अपने हाथ में होना चाहिए, इसकी व्यवस्था करें। ये कर सके तो उसके बाद अगला चरण तो ये कि जो लोग इसका प्रयोग करेंगे उनकी थाना कचहरी पुलिस इसमें मदद कीजिए। इतने करने पर आप आ गए, हम आ गए, मैं आ गया, सब कुछ बदल जाएगा। काशी में कितने लोग हैं इन विभूति करने वाले, जो टीवी चैनल्स इनके इंटरव्यू प्रसारित कर रहे हैं, जहर हो रहे हैं, इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए बजाय इनकी बातें हवा में उछाल कर TRP कलेक्ट कर। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम है, तेजस्विता के साथ इनका प्रतिकार होना चाहिए। ये कर सके सब कुछ बदल जाएगा। अगली सदी हिंदुत्व की सदी है, मगर इस हिंदुत्व के गोल को अचीव करने में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा। क्या है, इतिहास का चक्र जब पलटता है तो ये सब होता है, इसकी तैयारी करें। तुफैल जी, स्वामी इज ए फ्रॉड, डजंट केयर फॉर हिंदूज, ही सपोर्ट्स ममता, उद्धव, भिंडरा वाले, क्रिश्चियन CM, YSR रेड्डी, ही विल नॉट डू एनीथिंग फॉर PM पोस्ट। आपका RPG बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर टिप्पणी करना मेरे बस का नहीं है। मैं एक तो स्वामी जी किसको आप कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया, बहरहाल आपकी सेवा के लिए आभार। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, आपकी सहायता की आवश्यकता है। जय हिंदू राष्ट्र।